जी, मेरा ख्याल है कि आप लोग एक्चुअली ना दूसरी क्लास चल रही थी, टीचर ने वो थोड़ी देर तक ऑफ किया, दैट्स व्हाई ये कनेक्ट नहीं हो गई। जी, तो लास्ट टाइम हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, रिवर्स प्रॉब्लम किए। रिवर्स प्रॉब्लम से क्या मुराद थी कि रूटीन में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और हमें वैल्यू दे दी जाती थी, हम एरिया फाइंड करते। एरिया मींस प्रोबेबिलिटी फाइंड करते। तो जो पहले प्रॉब्लम किए वो ऐसा ही थे, लेकिन इसके बाद हमने रिवर्स प्रॉब्लम की। रिवर्स प्रॉब्लम क्या थे कि हमें वैल्यू वो फाइंड करने के लिए कहता था, वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता था, और एरिया जो है वो गिवन होता। एरिया जैसे उसने कहा 30% एरिया अबव वेट, उससे ऊपर ऐसी वैल्यू बताएं जिसके ऊपर 30% एरिया हो। सबसे पहले तो आया कि आपने वैल्यू मार कर लेनी, तो वो यहाँ कहीं आएगी। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके अबव एरिया जो है वो 30% है। लेकिन ये आपको टेबल से देखना पड़ेगा, इसलिए कि कैलकुलेटर पे ये डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। टेबल में उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको क्या मालूम है, टेबल को इससे कंसर्न नहीं है। टेबल को कंसर्न है कि जो वैल्यू आप तलाश कर रहे हैं, लाइक ये वाली वैल्यू, जो वैल्यू आप तलाश कर रहे हैं सेंटर से लेके उधर तक टोटल कितना एरिया बनता है। सेंटर से लेके उस वैल्यू तक जो के आप तलाश कर रहे हैं वो कितना एरिया बनता है, तो ये सेंटर से लेके इस वैल्यू तक 20% बनता है, 20%। और अब आपने टेबल में 20% एरिया देंगे तो टेबल आपको ये वाली वैल्यू दे देगा। तो एक ही बात है ना, ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर 30% है, या ये वो वैल्यू है जिसके दरमियान और सेंटर से 20% है। चूंकि आपको पता है सेंटर से एक साइड पे 50% और दूसरी साइड पे 50%। तो टेबल आप लोग कंसर्न करते हो, तो टेबल कंसर्न करना, आपको आई कैप वाले ड्यूरिंग द टेस्ट टेबल देंगे। इसमें अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, दैट इज 20%, अगर वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, तो फिर आप जो क्लोजेस्ट 20% के वैल्यू होगी, क्लोजेस्ट, उसको आप लोग जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो कर सकेंगे। तो यहां पर जो वैल्यू आपको मिल रही है, दैट इज द क्लोजेस्ट टू 0.2। एक आपके पास वैल्यू या तो ये वाली है और दूसरी वैल्यू आपके पास ये वाली है, या तो 0.985 मिल रहा है आपको या आपको दूसरी वैल्यू मिल रही है। तो जो वैल्यू आपको क्लोजेस्ट नजर आएगी 0.2 के क्लोजेस्ट होगी, उसी वैल्यू को आप लोग जो है वो कंसिडर कर लेंगे। तो हमें जो क्लोजेस्ट वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 0.1985, और एक है 0.2019। तो दिस वन इज क्लोज। वैल्यू रीड कैसे करनी, पहले इस साइड पे जाएंगे 0.5, फिर टॉप साइड पे जाएंगे 2। 0.52 इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू, 0.52 इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू। तो 0.52 जो है वो आपके रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी, और देन आप लिख देंगे कि जी ये वैल्यू जो है वो 0.52 जो है वो एक्चुअली बनती है, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। जी, आपने अगर कोई क्वेश्चन करना हो इसके रेलेवेंट, कि जी ये कैसे है, वैल्यू फाइंड करनी है, एरिया वो बता देता है, हम जो कुछ हमें मालूम होता है वो हम लिख लेते हैं, लेकिन फिर टेबल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम एरिया देते हैं। और टेबल की रिक्वायरमेंट क्या है, एनी एरिया फ्रॉम जीरो टू दैट वैल्यू, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम जीरो टू वैल्यूज के दरमियान एरिया बताते हैं, एंड देन उसका आंसर जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अरसलान आप अपना माइक ऑन करें, क्वेश्चन करें। सर, मैंने ये कहना था, ये जो हमारा कल टेस्ट हुआ है सर, प्रोबेबिलिटी का सर, जी सर मैंने ये कहना था कि मतलब ज्यादा नहीं तो सर 5-10 मिनट सर आप उस टेस्ट को सर डिस्कस कर लिया करें सर, हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और कौन सा सही हुआ है सर। नहीं तो अब आप मुझे जो आपने रिजल्ट सेंड किया है ना, जो आपने सर, जी मुझे जस्ट मेरे मार्क्स
मार्क्स सर शो हुए हैं और मुझे पता नहीं चला कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और कौन सा सर सही हुआ है। चले मैं तो वो डिटेल भी सेंड कर दूंगा, वो मैं डिटेल भी सेंड। सर वो तो ठीक है सर, डिटेल मैंने सर क्लासमेट से सर मंगवाई थी सर। उसमें सर मुझे दो क्वेश्चन पे सर डाउट है कि सर मुझे लगता है कि सर जो बैक पे उसका आंसर सेट हुआ है ना सर वो गलत सेट हुआ है और उसका जो करेक्ट आंसर है वो और बनता है। अच्छा चले मैं फिर कल जो है ना वो मेरे पास फिलहाल तो क्योंकि वो कंप्यूटर पे है, घर वाले कंप्यूटर पर है, तो मैं जाके एक तो आपको आंसर सेंड कर दूंगा और फिर मैं आपको चेक भी कर लूंगा कि वाया आंसर देते हुए कोई गलत तो नहीं मैंने मार्क कर दिया, वो मैं चेक कर। सर एक और बात सर, सर ये जो प्रोबेबिलिटी के सर क्वेश्चन थे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सर 30 क्वेश्चन थे जी सर, उनमें से सर 3 क्वेश्चन सर मुझसे तो नहीं हुए मतलब, और सर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मेरे आंसर मैच कर रहे हैं। ये जो मैंने बुक में दिए आपको? नहीं सर, ये जो आपकी नोट्स पे सर प्रैक्टिस एक्सरसाइज सर उसकी बात कर रहा हूं। जो मैंने आपको हैंड नोट्स दिए हैं उसकी है जी, उसमें जी तो एक तो क्वेश्चन के आंसर शायद थोड़े से, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी कहा था, एक्चुअली हुआ क्या है कि फोटोकॉपी मशीन वाले ने मुझसे पूछा नहीं है या सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। फोटोकॉपी मशीन वाले ने एक्चुअली मुझसे ना कंसर्न नहीं किया उसको, मैंने दूसरे नोट्स भी दिए थे उसमें कुछ थोड़ी सी बहुत ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी करेक्शंस थी, लेकिन उसने फिर वही दे दिए। तो वो मैं आपको नोट करके ना एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो रॉन्ग हैं और मैंने अपने नोट्सों में ठीक किए हुए हैं, तो वो मैं आपको करेक्शंस करवा दूंगा और सर इस भेज दूंगा। सर इस चैप्टर के सर 50+ सर एमसीक्यूज थे, तो सर उनमें से सर मुझे 3 एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू उसकी सर समझ नहीं आई और एक का सर मुझे लगता है कि उन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है। तो सर अब ये जो सर सारी सर जो बुक में सर जो बुक है हमारी सर उसके सर 50+ एमसीक्यू दिए हुए हैं उन्होंने। आई कैप की सर की बात कर रहे हैं आप? जी सर। तो सर 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी सर मुझे ना ठीक से समझ नहीं आई, तो एक क्वेश्चन ऐसा है मुझे लगता है कि उन्होंने ना आंसर गलत दिया हुआ है उसका सर 1 आंसर आता रहा और उन्होंने नन बताया हुआ। अच्छा फिर ऐसा तो सर अब ये क्यूरी जो है जी जी मैं बताऊँ ऐसा करते हैं वैसे तो जो है वो एक मिनट मैं एक फोन अटेंड कर लूँ फिर मैं आपकी बात सुनू। हेलो वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नुमान साहब मैं इसलिए फोन कर रहा था कि उस दिन जब आपका वो इलेक्ट्रिशियन आया था ना तो वो कह रहा था कि शायद कनेक्शन जो है ना वो पता नहीं उलट करने पड़े, तो फिर वो जो वार्डा वाले थे उन्होंने स्ट्रिप बंद नहीं की, वो मीटर की स्ट्रिप बंद कर जाते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि यार आप तो स्ट्रिप ना बंद कीजिएगा, वो थोड़ा सा नहीं थी, वो हमें ऑर्डर है ये, मैं कहा यार अगर बंद करे तो वो तो कैसे कह रहा है कि उलट करने पड़े तो मुसीबत आएगी, तो स्टिक उन्होंने बांध दी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी 4 दिन मैंने चलाया है, 4 दिन में जो टोटल यूनिट जो है 11 मैंने तो देखे जो मेरे यूनिट है ना
सर आवाज नहीं आ रही। जी जी बेटा, अब आप पूछेगा क्वेश्चन अपने। निर्मा आपने हाथ अपना माइक ऑन किया, क्या क्वेश्चन है आपका कोई? नो वन, ओके। किसी को क्वेश्चन है तो पूछेगा जी। शाबाश सर, ये जो मेरी फिर क्यूरीज हैं सर, फिर इनका सर बता दें हम क्या करना है, इनका क्या करना है। ये जो इस वक्त चैप्टर चल रहा है ये प्रोबेबिलिटी का, ये मेरा ख्याल है कि हमारे दो लेक्चर्स हैं, ठीक है। जब ये कंप्लीट होगा ना, तो एक्चुअली आपका पूरा स्टेटिस्टिक्स का एक पोर्शन खत्म होना है, फिर हमारा लास्ट टॉपिक रह जाना है। तो जब ये प्रोबेबिलिटी का खत्म होगा, तो फिर हम दो दिन ऐसा करेंगे, मैं आपको इंडिकेट भी करूंगा। एक दिन आप बेसिक प्रोबेबिलिटीज, बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पहले है, उस वक्त जो भी आपको क्यूरी प्रॉब्लम्स हो तो आप देखिए। इसमें ना मैं समझता हूँ कि नॉन सीरियसनेस ना थोड़ी सी आपकी जानिब से ऐसे भी है, जैसे जो टेस्ट कल सबमिट किया है वो 10 लोगों ने किया है, अब टोटल पार्टिसिपेंट 22 हैं, मतलब जो इस क्लास के पार्टिसिपेंट है ना, तो 10 लोग हैं। तो एक तो आप लोगों को अगर मैं एक्सरसाइज कहता हूँ कि आपकी, मैं ये नहीं कह रहा आपकी बात, बिल्कुल आप करते हो, आपकी इंटरेस्ट है, लेकिन फिर बाकी लोग भी पूरी किया करें ना, ताकि उन लोगों को भी साथ हो। तो जैसे ही ये दो दिनों में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है ना, तो फिर मैं एक 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 दिन जो है आपकी जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, उसमें अगर आपने आई कैप की बुक से पूछना है उससे पूछ लीजिएगा, मेरी जो दी गई बुक है उससे पूछना है, और एक दिन फिर जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें ये बाइनोमियल, हाइपरजोमेट्रिक और पाइसन वगैरह आ जाते हैं, तो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा। हाँ, ये मुझे आप समझ लें, आज मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, फिर इसके बाद तो वैसे सैटरडे संडे आ जाता है, तो थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन जो है अब वो आप समझ लें कि हम प्रोबेबिलिटी के रिव्यू का मतलब आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप उसे, तो क्या ठीक है? अब ये ओके सर, चले ओके सर, चले मैं दो दिन इंशाल्लाह आपको ना आपकी क्वेरीज के आंसर्स करूंगा। जो लास्ट टाइम हमने अपना, और सर एक और बात सर, ये जो लास्ट टाइम सर ये जो 85 वाला एरिया सर आपने डार्क किया था ना, तब मेरे सिग्नल प्रॉब्लम था सर, ये थोड़ा सा रिपीट कर। इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको यही नजर आ रहा है? जी सर, यही नजर आ रहा है। जी सर, फाइंड अ वैल्यू दैट हैज 85% एरिया बिलो, ठीक है मैं कर देता हूँ। देखिये उसमें हमने हमें एरिया दे दिया गया है और वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, ये क्वेश्चन है। एरिया अवेलेबल है और वैल्यू जो है वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है, एरिया हमें जो है वो अवेलेबल है। फाइंड जी वैल्यू 85% एरिया बिलो इट, ऐसी वैल्यू जिससे 85% एरिया बिलो, आप बिलो से स्टार्ट कर दिया करें, ये वैल्यू 10% एरिया बिलो इट, 20% एरिया बिलो दैट वैल्यू, 30% एरिया बिलो दैट वैल्यू,
40% एरिया बिलो दैट, 50, 60, 70, 80 and 85 पहुंच गए हम। ये वो वाली वैल्यू है जिसके बिलो 85% एरिया, और यही उसने कहा था फाइंड जी वैल्यू दैट हैज 85% एरिया बिलो इट। तो ये वाली वैल्यू जो है वो हमने जो है वो आइडेंटिफाई कर ली, दैट इज 85% एरिया जो है वो इसके बिलो जा रहा है, 85% एरिया इसके बिलो चल रहा है। अब जब आप फाइंड आउट करेंगे 85% एरिया बिलो इट, तो इट मींस के टेबल की जो रिक्वायरमेंट होती है, अब टेबल में आपने एरिया देना है, टेबल की रिक्वायरमेंट है कि आपने सेंटर से लेके और वो वैल्यू जो के आप तलाश कर रहे हो उसके दरमियान दरमियान एरिया आपने टेबल को देना है, ये टेबल की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप ये जो वैल्यू है इसके बिलो टोटल 85 है तो सेंटर से यहां तक 35% बनता है, ठीक है ना, 50 और 35, 85 पूरा हो गया। तो टेबल रिक्वायरमेंट क्या है, टेबल रिक्वायरमेंट है एरिया फ्रॉम सेंटर टू वैल्यू, ये है टेबल रिक्वायरमेंट। अब आप टेबल को नोट करेंगे और 0.35 को टेबल में देखेंगे, 0.35। अब अगर 0.35 की बात करें तो ये दो पॉसिबल ऑप्शन है, 0.35 एग्जैक्ट आपको नहीं मिल रहा, या तो आपको 0.3485 मिल रहा है और या आपको 0.3508 मिल रहा है, ये दो आपको जो है वो एक्चुअली उसमें जो है वो मिल रहे हैं। अब क्लोजेस्ट की बात करें तो 0.3508 जो है वो क्लोजेस्ट है। अब आपने इसको रीड वैल्यू रीड करने, वैल्यू ये बॉर्डर लाइन पे दी गई बाहर वाली है, इसकी बाहर साइड पर आए 1.0 ये लिख लें 1.0 और फिर टॉप साइड पे जाएं तो 4, तो बता दिया गया 1.04, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू जो थी वो 1.04 थी, यानी कि ये वैल्यू 1.04 है जी। तो वो ये वो वाली जी वैल्यू है जिसके अबव एरिया जो है वो जो है वो बिलो एरिया जो है वो 85%। तो ये ऐसी जी वैल्यू, चूंकि यहाँ जी वैल्यू जीरो होती है ना, तो ये 1.04 है, तो ये ऐसी जी वैल्यू है जिसके बिलो बिलो सारे का सारा एरिया जो है वो आपके पास 1.04 सारे के सारा जो बिलो एरिया है वो ये चीजें जो है वो बन रही है। तो ये एक प्रॉब्लम था। अच्छा जी ये भी शायद हमने अपडेट कर लिया था, ये आपके पास है फाइंड टू वैल्यूज, दो वैल्यूज बतानी है दैट हैज 20% मिडल एरिया, ऐसी दो वैल्यूज जिनके दरमियान में 20% एरिया हो। आपने अब वो वैल्यूज पता नहीं कहां पर है, आपने सेंटर ले लेना है, सेंटर से स्टार्ट करना है, 10% एरिया इस साइड पे चला जाए, 10% एरिया इस साइड पे चला जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनके दरमियान में मिडल में कितना एरिया है, 20% एरिया, दैट इज ऑन द मिडल। तो 20% एरिया जो है वो मिडल में जो है वो चला जाएगा, तो 20% एरिया मिडल में आ जाएगा। तो दो ऐसी वैल्यूज फाइंड करें, दो ऐसी वैल्यूज जिनके मिडल में 20% एरिया हो, तो इससे मुराद ये है कि आप वैल्यूज इस 10% एक साइड पे ले लें और 10% एक साइड पे, 10% इस साइड पे कर लें कि जी 10% एरिया जो है यहां से इस साइड पे, तो वैल्यू यहां पर आएगी एक, और दूसरा 10% यहां पर मिडल से, तो एक वैल्यू यहां पर आ गई। अब ये दो वैल्यू आपको जो है वो कहता जी फाइंड करके बताएं, टू वैल्यूज दैट हैज 20% एरिया बिटवीन देम, तो इनके दरमियान दरमियान में ये 20% एरिया आ रहा है। अब जरा टेबल रिक्वायरमेंट देखें क्या है, टेबल रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आपको वैल्यू तलाश करनी है, टेबल रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सेंटर से उस वैल्यू तक का एरिया रिक्वायर है, वो टेबल को दे दें, टेबल आपको ये वैल्यू दे देगा। तो ये 10% है,
ये 10%। तो टेबल को आप 0.10 जो है वो टेबल में देखेंगे, एंड अगेन 0.10 अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम क्लोजेस्ट देख लेंगे। 0.10 के क्लोजेस्ट जो वैल्यू होगी उसको ही हम कंसिडर कर लेंगे। और नोट करें ये बनता है 0.0987, 13 यूनिट और अगर इसमें ऐड हो जाते तो ये 0.1 बन जाना था, 0.1026, और ये 26 यूनिट जो हैं वो एक्सेस में चले गए, 26 यूनिट एक्सेस में चले गए, और ये 13 यूनिट जो है वो बेसिकली जो है वो डेफिशिएंसी पे आ गए। तो क्लोजेस्ट जो फिर बना तो वो फिर ये चीज बनी। अब इसको रीड करना है 0.2 एंड देन ऊपर वाली साइड पे जाएं तो क्या बनता है 0.25। तो ये जो पॉइंट बन गया है ये बन गया 0.25। तो ये जी वैल्यू आपने आइडेंटिफाई कर ली, एक हो गई। अब दूसरी जी वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब फिर वही प्रॉब्लम के सेंटर से लेके उस वैल्यू तक अगेन आप कहेंगे ये भी तो 10% ही है। बिल्कुल सही है, ये भी 10% ही है। फिर वही एक्सरसाइज, वही आंसर आएगा, 0.25 ही आएगा। लेकिन एक चीज की केयर है, जो वैल्यू यहां जी जीरो होता है ना, यहां जी जीरो होता है, जो वैल्यू जीरो की राइट साइड पर आए वो पॉजिटिव, और जो वैल्यू जीरो की लेफ्ट साइड पर आए वो नेगेटिव। तो हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, एक नेगेटिव 0.25 और एक पॉजिटिव 0.25। तो एक वैल्यू जीरो की राइट पर आ गई 0.25, एक लेफ्ट पर आ गई 0.25, और आपने इसका एरिया बता दिया। तो दो तरह के प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं, वैल्यू दी हो एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया दिया हुआ हो तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि जी ये एरिया दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू जो है आप वो किस तरह से आप लोग डिटरमिन कर सकेंगे। तो इस वक्त चूंकि ये जी टेबल है तो जो मैंने फाइंड किया हुआ है वो जी वैल्यूज है, यानी कि जो हमने फाइंड किया फाइंड जी वैल्यू। तो हर क्वेश्चन में हमने जी वैल्यू फाइंड की है इसलिए कि टेबल हमारे पास जी वैल्यू टेबल ही अवेलेबल था, तो हम जी वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं। अब इसी किस्म का ही क्वेश्चन है लेकिन आपको अब एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, देखें वो क्या है एक्स्ट्रा स्टेप। कहता है इफ अ वेरिएबल एक्स हैज मीन 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 5, फाइंड द एक्स वैल्यू दैट हैज 30% एरिया अबव इट। ऐसी एक्स वैल्यू बताएं जिसके ऊपर 30% एरिया हो। मीन क्या है, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को लिखूं तो आप कह सकते हो मीन इसका 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन चूंकि 5 है और हम यहां वेरियंस लिखते हैं तो इस वक्त मेरे पास ये इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। इसको अगर हम स्केच करें तो कह सकते हैं कि एक वेरिएबल एक्स है, सेंटर में मीन होता है, और क्योंकि ये एक्स है और एक्स का मीन म्यू है विच इज इक्वल टू 50, एक्स की बात हो रही है ना, और यहां पर जो है ये सारी की सारी क्या है एक्स वैल्यूज है, वेरिएबल की वैल्यूज है। अगर मैं इसी के पैरेलल जी शेप बनाऊं, शेप तो सी की भी उसी तरह बनेगी, फर्क सिर्फ ये होगा कि z का मीन जीरो होता है ना, स्टैंडर्ड वेरिएबल का मीन जीरो और यहां पर z वैल्यूज। अब उसने कहा था, जो क्वेश्चन था, फाइंड x वैल्यू दैट हैज 30% एरिया above it, that has 30% area above it, find x value
that has 30% area above it. यानी कि ऐसी x values find करें जो कि 30% area जो है वो उसके उसके above हो. X value. आप कह रही x value नहीं find हो सकती. बिल्कुल नहीं x value find हो सकती. Table z value का दिया हुआ है. Z value जरूर find हो सकती. तो पहला step तो यही करें. बजाय इसके कि हम कहें कि find x value, आप कहेंगे वो नहीं find कर सकते. X का तो table ही नहीं है. तो मैं अब इस problem को ऐसे लिख लूंगा कि जी पहले अगर हम कोई काम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं फाइंड जी वैल्यू. हाँ ये हो सकती है 30% एरिया अबव इट. तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें जो आप कर सकते हैं. हम कर सकते हैं तो जी वैल्यू 30% एरिया, 10% 20% 30%. ये समझ लें कि आपके पास ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर 30% एरिया बनता है. 30% एरिया अबव इट. अब z वैल्यू टेबल में देनी है, लेकिन टेबल में जो वैल्यू देनी है वो देनी है सेंटर से लेके और वो जो वैल्यू आप तलाश कर रहे हो ये वैल्यू उसके दरमियान, तो वो है 0.20. तो टेबल को आप 0.20 देंगे, टेबल को आप 0.20 देंगे और टेबल आपको जो है वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा z वैल्यू, x वैल्यू नहीं देगा. टेबल आपको जो वैल्यू देगा वो आपको देगा z वैल्यू. फाइंड, अब मैंने देखा ना प्रॉब्लम को उसी तरह से कर लिया. फाइंड z वैल्यू दैट हैज 30% एरिया अबव इट. अब ये वही एक्सरसाइज है जो हम पहले कर चुके हैं. 30% एरिया अबव इट, आप क्या करेंगे 20% देंगे टेबल को और क्लोजेस्ट वैल्यू लेंगे और पॉइंट नोट कर लेंगे. पॉइंट नोट कर लेंगे 0.52. तो आपने वैल्यू फाइंड कर ली 0.52. ये वही एक्सरसाइज है जो हम पहले भी कर रहे हैं. फाइंड हमने कर ली है z वैल्यू, ऐसी z वैल्यू जिसके ऊपर 30% एरिया हो और एक ही बात है सेंटर से उस वैल्यू के दरमियान 20% एरिया. ठीक है, अब उसने हमें कहा है x वैल्यू, तो आपने x से z कैसे बनाना है. छोटी सी एक्सप्रेशन है, याद करें x माइनस म्यू बाय सिग्मा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. म्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं, म्यू प्लस z एंड सिग्मा. अगर आप इस एक्सप्रेशन को नोट करें, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी हुई है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को नोट करें तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो चीज इस एक्सप्रेशन में हमें नजर आ रही है, x इज इक्वल टू म्यू प्लस z सिग्मा, ये हमें मालूम है दिया हुआ है, ये हमें मालूम है दिया हुआ है. x हमने फाइंड करना है. तो जब तक आपके पास z नहीं आएगा, z वैल्यू नहीं आएगी, उस वक्त तक आप x वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो z वैल्यू तो बिल्कुल, अगर हमें एरिया मालूम हो, एरिया मालूम हो तो हम z वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं. अब जब आप आ जाएगा तो हम कहेंगे ये भी मालूम हो गया. अब सारी एक्सप्रेशंस मालूम हो गई आपको, जब आपको सारी एक्सप्रेशंस मालूम हो जाए तो देन आप कह सकते हैं कि हम x वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. अब मैंने वैल्यू ऑफ x जो है वो डिटरमिन की हुई है 50, जो के म्यू है, ये देखें ना ये एक्सप्रेशन मैंने यूज की हुई है, प्लस z एंड सिग्मा. तो 50 आपके पास जो है वो म्यू है एंड देन आपने उनको मल्टीप्लाई करके आपस में और देन वैल्यूज फाइंड करनी थी. तो 5 जो के याद रखे हमारे पास यहां जो यूज किया जाता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया जाता है. ठीक है ना, और ये वैल्यू अगर आप नोट करें तो 52.6 बनती है, 52.6. और अगर मैं इस एक्सप्रेशंस को रखूं, जो एक्सप्रेशंस मैंने यहां पर स्केच की थी, कि जब आप z वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, z वैल्यूज का आइडिया हो जाता है हमें कि जी ये z वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट हो गई हैं,
तो जो z वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है वो है 0.52। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये चाहिए था ना हमें, हमें तो चाहिए थी x वैल्यू 30% एरिया, तो ये x वैल्यू क्या है? अगर z वैल्यू 0.52 है तो उसके बिल्कुल x वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या है? तो ये एक्सप्रेशन आपने याद रखनी है, म्यू प्लस जी सिग्मा, म्यू 50 है, z 0.52 है, सिग्मा 5 है, और इनको आप अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद 52.6, तो देखें ये 52.6 है ना, यहां पर अगर मेन 50 है और ये जो वैल्यू है जो कि 50 की राइट पर जा रही है तो उससे ज्यादा ही होगी ना, तो ये हमने एक्स वैल्यू भी फाइंड कर, विच इज 52.6 जो है वो हमारी रिक्वायर्ड एक्स वैल्यू जो है वो आ जाए। तो क्या करना है, पहला स्टेप आपने जी वैल्यू फाइंड करना है, जब जी वैल्यू फाइंड हो जाए तो आपने इस एक्सप्रेशन में उस वैल्यूज को रख के एंड देन उसका फाइनल आंसर जो है वो आपने कैलकुलेट कर लेना। हाँ जी, अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, एनीवन हैज अ क्यूरी रिगार्डिंग दिस वन? जी अपना माइक ऑन करें अब्दुलरहमान और पूछे मुझसे क्वेश्चन। क्या उस पिन में क्या डिफरेंस होते हैं जी? अबव द एरिया और बिलो द एरिया जो आपने किए हैं सर। अबव और बिलो मेरे ख्याल बड़ा क्लियर नहीं है, ऊपर और नीचे, अबव इस साइड पर। अगर मैं आपको एक 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 पॉइंट लिख दूं और फर्ज करें एक लाइन लगा देता हूं और मैं कहूंगा इसके अबव ऊपर की जानेब, तो राइट पे जाएंगे ना अबव, बिलो नीचे की जानेब नीचे तो लेफ्ट पे जाएंगे ना, तो यही अबव और बिलो ना, किस साइड पे जाना है ना, अबव ऊपर की जानेब। जो नंबर सिस्टम हमारा होता है, नंबर लाइन जिसे कहते हैं आप, तो इसमें अगर मैं कहूं अबव ऊपर तो राइट पे मूव करेंगे ना आप, बिलो नीचे इस पॉइंट के नीचे जाएंगे तो लेफ्ट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अबव इट उससे ऊपर, बिलो इट उससे नीचे, तो किधर को जाना है, लेफ्ट पे 30% जाना है कि राइट पे? तो अगर मैं सिर्फ ये कह दूं फाइंड एक्स वैल्यू दैट हैज एरिया 30%, किधर का एरिया, उस पॉइंट के ऊपर वाला एरिया 30 के नीचे वाला 30, तो ये तो जब तक आपको नहीं मेंशन होगा कि अबव और बिलो तो उस वक्त तक तो नहीं हम फाइंड कर सकते। इसमें ये चीज आपको एक्सप्लेन की जा रही है कि आप डायरेक्टली एक्स वैल्यू जो है क्वेश्चन में वही है एक्स वैल्यू फाइंड, लेकिन नहीं कर सकते इसलिए कि हमारे पास टेबल जो है वो जी वैल्यूज के दिए हुए हैं। हमने एक्स तो नहीं जी, हम कहेंगे चले जो मालूम कर सकते हैं वो तो करें ना, बाद में से कन्वर्जन कर दें। क्या कन्वर्जन करेंगे, म्यू प्लस जी सिग्मा, ये हाँ जी क्लियर आपको अब ये पॉइंट जी? ठीक, चले आप अपना माइक ऑफ कर दें जी। कोई और क्वेश्चन अगर किसी ने करना हो, एनीवन एल्स? जी उमर अब्दुल्ला आप अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चन करें मुझसे। उमर आपने हैंड रेज किया है ना, उमर अब्दुल्ला 733 आपका हैंड रेज है, आपने कोई क्वेश्चन करना है मुझसे? उसको शायद आइडिया नहीं हो रहा, चले मैंने आप सर ये जो जी जी सर ये जो आपने बताया जब मतलब 50% तक एरिया होगा तो सर ये तो सर क्लियर हो रहा है कि हमने ऐसे शेड करना है एरिया को, तो सर उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है जब 50 से सर मतलब अबव होता है सर एरिया 70-80 या इस तरह 90। देखो ना आप, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन, अबव का पॉइंट बोलता है ना, जब मैं अबव का पॉइंट बोलता हूँ लाइक दिस वन, ये तो मुझे क्लियर है ना, सेंटर से ऊपर कितना होगा 50%। अब आपको मैं पॉइंट इधर रख दूं, ये कौन अबव कहलाएगा बिलो कहलाएगा? ये बिलो कहलाएगा, ये तो बिलो है ना, लेफ्ट पर है। उसने कहा 70% अबव, आप इधर से स्टार्ट कर लिया करें, 10% अबव, 20% अबव, 30-40 50 अबव, 60 अबव, 70% अबव, इसका मतलब पॉइंट ये है।
जिसके ऊपर 70% एरिया होना चाहिए। इस सेंटर से ऊपर अगर 50 है तो आप कहेंगे सेंटर से 20% और पीछे चले जाएं तो टोटल जो एरिया अबव बनता है अब वो 70% बन जाएगा। लेकिन अगर वो यही बात कहता कि 70% एरिया बिलो, तो बिलो से स्टार्ट कर लेना, 10% बिलो, 20% बिलो, 30% बिलो, 50% बिलो, 20% और इधर शामिल कर, ये ले, ये आपको 70% बिलो तो पॉइंट यहां आ जाएगा। तो पहले तो आपको ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि जो पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है वो पॉइंट एक्चुअली किस जगह पर है, तो वही आपको आइडिया होगा। अबव कह रहे हैं तो अबव साइड से आना स्टार्ट कर दें, 10% ऊपर छोड़ दें, आप कहें जी 10% अबव, 20% अबव, 30% अबव, रुक जाएं कि हाँ जी 30% अबव हो गया, पॉइंट यहां पर है। क्या है पॉइंट वो अब आपने टेबल से देखना है, लेकिन कम से कम आपको पॉइंट की लोकेशन तो पता चल गई ना कि किस लोकेशन पे ये पॉइंट जो है वो अवेलेबल है। हाँ जी क्लियर हुआ आपका पॉइंट? ओके हाँ जी उमर, उमर आप अपना माइक ऑफ कर दें। अरसलान उमर आपका माइक ऑन है, अब बताएं आपने क्या मुझसे क्वेश्चन करना है। उमर अब्दुल्ला हैंड रेस किया हुआ, आपका माइक भी ऑन है। नहीं मेरा ख्याल वो अटेंटिव नहीं है, चले ठीक है। अगेन वही बार बार उसी चीज की प्रैक्टिस है, अगर हमें जी वैल्यू फाइंड करनी आ गई तो एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा ये करना है कि फाइनली उस जी वैल्यू को अब एक्स वैल्यू में हमने कन्वर्ट कर देना। तो क्वेश्चन क्या है, इफ अ वेरिएबल एक्स हैज मीन 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5, सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स अब जी नहीं एक्स, दैट हैज 85% एरिया बिलो इट। ये देखे ना यहां पर बिलो, कितना बिलो, 85, 10% एरिया बिलो इट, 20% एरिया बिलो इट, जंप करके आ गया 50% एरिया बिलो इट, 60% एरिया बिलो, 70 बिलो, ऊपर 30 नीचे 70, 80% एरिया बिलो, ऊपर 20 नीचे 80, और 85% एरिया पॉइंट यहां पर, ये मार्क कर लिया आपने कि जी ये लोकेशन आपको पता चल गई कि जो अननोन वैल्यू है जिसको हमने टेबल से देखना है उसकी आपको लोकेशन पता चल गई वो यहां पर है। ठीक, अब आप टेबल में एरिया देंगे तो टेबल आपको जी वैल्यू देगा, लेकिन जो टेबल का एरिया देने की रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा कह ले वो कहता है आपको क्या पता है, मुझे इससे कंसर्न नहीं है, मुझे कंसर्न सिर्फ एक है कि सेंटर से स्टार्ट ले ले और वो वैल्यू जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं जिस जगह पर है सेंटर से उस वैल्यू के दरमियान कितना एरिया, तो शायद ये बताना मुश्किल नहीं है, इसलिए कि इससे नीचे नीचे टोटल 85 है, सेंटर से नीचे टोटल 50 होता है, तो क्या हमें ये कंफर्म नहीं हो गया कि ये फिर 35 ही बचता है सेंटर से इस वैल्यू तक का, क्योंकि टोटल जो 85 है सेंटर से नीचे 50 है, 50 निकाल दिया बाकी 35 रह गया। तो आप कहें जी चलें जी टेबल जो चाहता था हमने ऐसे ही बता दिया, तो टेबल कहता था सेंटर से वैल्यू के दरमियान एरिया कितना, तो वो 35% बचता है, 0.35। अगेन आपको यहां से जो टेबल से मिलेगा वो जी वैल्यू मिलेगी, तो ये जी वैल्यू हमने टेबल से नोट कर ली, दैट जी वैल्यू इज 1.04, लेकिन वो तो पूछ रहा है एक्स वैल्यू, और एक्स वैल्यू कन्वर्जन भी हमें पता है म्यू प्लस जी सिग्मा जो है वो आप लोग यूज कर लेंगे, इसका आंसर आप लोग फाइंड करेंगे। एक्सप्रेशन जो याद रखनी है आपने, मैंने वही जी से बनाई है, मैं फिर लिख रहा हूँ जी से ही मैंने ये बनाया। हाँ अगर फर्ज करें आप ना भी बनाए तो इसमें वैल्यू रखते हैं ना, 1.04 इधर रखते हैं, एक्स फाइंड करना है, ये 50 है और ये 5, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक्स वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर वही एक्सप्रेशन है ना जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई मैथ्स में भी पढ़ रहे हैं, 50 ये इधर आ जाएगा और प्लस 5 1.04 एंड इनटू 5, तो वही आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाए। इफ अ वेरिएबल एक्स हैज मीन 50 स्टैंडर्ड डेविएशन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट हैज 40% एरिया बिलो इट, 10% बिलो, 20% बिलो, 30% बिलो, 40% बिलो इट, जी वैल्यू यहां पर है, जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो यहां पर है। मैं जी वैल्यू इसलिए बोल रहा हूं कि टेबल से तो मुझे जी मिलेगी, मुझे बाद में एक्स एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना,
तो पहले छोटे। अब टेबल कहता है जी कि आपको क्या मालूम है, उसे कंसर्न नहीं है, वो कहता है सेंटर से स्टार्ट हो जाए और जो वैल्यू आप तलाश करें उसके दरमियान का एरिया सिर्फ मुझे बताएं। तो अगर ये टोटल 50 है, 40 इसके नीचे है तो ये 10% बचता है, तो टेबल को आप 0.10 देंगे। तो टेबल को जब आप 0.10 देंगे तो जो क्लोजेस्ट होगा उससे जी वैल्यू नोट कर लें। तो ये जी वैल्यू आ रही है 0.25। आप कहेंगे यहां तो 0.25 आ रही है, ये नेगेटिव काम पर है। जो भी वैल्यू सेंटर से लेफ्ट पर होगी, आपको पता ना जी वैल्यू सेंटर में जीरो होती है ना, सेंटर में वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो जो लेफ्ट पर जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो ये मैंने नेगेटिव साइन के साथ जी वैल्यू लिख दी, लेकिन हमारा कंसर्न क्या था, एक्स वैल्यू। तो एक्स वैल्यू म्यू प्लस जी सिग्मा और इटसेल्फ जो जी है वो नेगेटिव 0.25 है। ये मैंने कैलकुलेशंस इंटेंशनली मिस की हुई है, इन इंटेंशंस को आपने कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैंने सिर्फ एक्सरसाइज की z वैल्यूज कैसे टेबल से नोट करनी है, एरिया गिवन हो, और जब ये मिल जाए तो फिर इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आप x वैल्यूज जो है आप वो फाइंड आउट कर लेते। इफ x हैज मीन 50 स्टैंडर्ड डेविएशन 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x दैट हैज मिडल 20। ये वही है जो आज हमने किया था, फर्क सिर्फ ये है हमने z वैल्यू फाइंड की थी, वो कहता जी आप x वैल्यू बताएं। Again, वही काम करेंगे, याद है ना कि हमने z वैल्यू फाइंड की थी, तो ये दो z वैल्यूज आ गई थी और अब बारी बारी इनसे x वैल्यू बना देंगे हम। पहले हम 50 माइनस ये वाला z यूज करेंगे, वो नेगेटिव साइड की x वैल्यू आ जाएगी, एंड देन फिर हम दूसरा यूज करेंगे और वो पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है जी, तो जो मैंने आपको x वैल्यू फाइंड करने के लिए कही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उसके वर्ड प्रॉब्लम, ये वाले वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। एक्स वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए मैं कहूंगा, तो ये यूज के जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स आए। तो एक प्रैक्टिस आप लोग बहरहाल कर लेंगे कि जी अगर हमें एरिया मालूम हो, वैल्यू फाइंड करनी हो टेबल से जी मिलेगा, बाद में उसे कन्वर्ट करके आप उसकी एक्स वैल्यू जो है वो फाइनली डिक्लेयर कर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, एंड देन आप ये मेरा ख्याल कल एंड देन नेक्स्ट दो लेक्चर्स में ये प्रोबेबिलिटी वाला फिनिश हो जाएगा, और फिर जो दो दिन होंगे उसमें आप मुझे अपने